भी इस धनुष को तोड़ने वाला है वो कोई आपका सेवक ही होगा आयीशु कहा कहिए सुनी रिशाई बोले मुनि कोई फिर श्री राम बोलते हैं कि आपका क्या आप है आप मुझसे कहिए ये बात सुनकर फिर पराम क्रोध में आकर बोलते हैं कि सेवको सो जो करे सेवकाई अक्रिनी करी करी लड़ाई कि जो सेवक होते हैं वो तो सेवा करते हैं लेकिन जो सेवक नहीं होते जो सेवा नहीं करते बुरे काम करते हैं उनसे तो हमेशा लड़ाई ही करनी चाहिए सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम फिर जो हमारे परशुराम है वो बोलते हैं कि जो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहू के समान ही है मतलब कि सहस्त्र बाहू को परशुराम ने युद्ध भूमि में विराजित किया था हराया था वो उनका दुश्मन था रीपू मतलब शत्रु तो परशुराम बोलते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र के समान ही है मेरे लिए सो बिल गौ भी ही समाजा नेते मारे जाइए सब राजा फिर परशुराम बोलते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह इस पूरी जो भी यहाँ पे जो सभा हो रही थी उससे अलग हो जाए नहीं तो जितने भी राजा वहाँ उपस्थित थे, थे सबको वो मार देंगे सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुधरी अब माने कि फिर जो परशुराम के जो वचन थे वह सुनकर लक्ष्मण जो थे मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हुए बोलते हैं बहु धुनी तोरी लरीकाई कहुबे ने असी रिस गोसाई कि हमने बचपन से इतने धनुष तोड़े हैं लेकिन फिर भी आप उस समय तो नहीं आए हमें डांटने लेकिन अब आप क्यों हम पे क्रोध कर रहे हैं यही धनु पर ममता केती हेतु सुनी रिसाई कहे ब्रगकुल केतु कि आपका जो ये ममता है या प्यार है वो सिर्फ इस धनुष के लिए क्यों है फिर ये बात सुनकर जो हमारे भ्रगुल केतु मतलब कि जो परशुराम थे वो ब्रह्मकुल के थे तो वो क्रोध में आकर बोलते हैं कि रेनरप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल कि तुम संभाल के क्यों नहीं बोलते हो तुम्हें काल का ग्रास बनना है क्या मतलब तो कि काल में जाना है क्या क्योंकि वो क्रोध में थे और वो ये नहीं, नहीं देखते थे कि आगे कौन है दनुई सम शिक विदित सकल संसारा। और जो ये धनुष है वह पूरे संसार में सबसे अलग धनुष है ये कोई सामान्य धनुष नहीं है अगर आपको पार्ट फर्स्ट समझ आया हो ये पैराग्राफ फर्स्ट समझ आया तो लाइक द एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अदर पार्ट थैंक यू